अपने बयानों से अपनी ही सरकार को घेरने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है। राजभर ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि शराबबंदी और आरक्षण के मामले पर अगर सरकार नहीं चेती तो 24 फरवरी को वह बड़ा ऐलान करते हुए सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है। मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि आप अगर गरीब सवर्णों को 48 घंटे में आरक्षण दे सकते हो तो गरीब टीकरों का भी आरक्षण जल्दी लागू करो, वरना हूं प्रकाश राजभर। 24 फरवरी तक यदि तूने लागू नहीं किया तो ये सोच लेना उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर एक भी सीट जीतने नहीं दूंगा। ये दिमाग मत सोच लेना, एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। अब कुंभ में पैसा है, अब सोचो पिछली सरकार 900 करोड़ रुपया में कुंभ निपटा दिया, अभी सरकार 5000 करोड़ रुपया लगा रही है। अब आप बताओ, यहां बैठे हुए लोगों आप बताओ, कुंभ में नहाने से तेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, लेकिन रुपया वहां बर्बाद हो रहा है। अरे 900 हो किए आप 1500 करते, आप 2000 करोड़ करते, 3000 करोड़ रुपया गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में लगाते तब हम मानते कि गरीबों के हमदर्द आप लोग हो। 26 बार कैबिनेट में मुख्यमंत्री से झगड़ा कर चुका हूं शराबबंदी के सवाल से। तो मुख्यमंत्री जी कहे नहीं नहीं शराब नहीं बंद होगा, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाएगा तो गरीबन का विकास हो जाएगा। बोला विकास हो जाएगा और ये होगा तू लोग में, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाता तो लोग का विकास हो जाए ना हो। ये मठ के मठाधीश हैं गोरखपुर के, गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं जहां कम से कम 10 लाख रुपया रोज चढ़ावा करता है, वहां के मठाधीश हैं। वो जानते हैं कि उस मंदिर में ताकत नहीं, उस मठ में ताकत नहीं। वो वहां से दिल्ली जाते थे एमपी बन के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते थे और वहां से वो समझते थे कि दिल्ली में पावर है। अब दिल्ली में जब जुगाड़ सीएम का नहीं बना तो जुगाड़ बांधे और आ गए लखनऊ वाले मंदिर में, लखनऊ वाले मंदिर पे हावी हो गए। आज सीएम है, आपका ध्यान मंदिर की तरफ ले जाते हैं और अपना ध्यान लखनऊ की कुर्सी की तरफ ले आते हैं। बोलो।